बढ़ रही है और इस वजह से धनरुआ प्रखंड में किस तरह बाढ़ का पानी फैल चुका है। एक तस्वीर जहाँ दिखाऊंगी स्टेट हाईवे बदल जहाँ पर पानी की पानी आपको कैमरे के जरिए से नजर आ सकता है। यहाँ की जो स्थिति है वो समझा जा सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि इसी पानी से जो लोग अंदर गांव की तरफ जाते हैं या जो वहाँ से आते हैं उनकी हालत है। मैं एक शख्स को भी देख रही हूँ सर्फर सिलेंडर लेकर वो शख्स अपने गाँव की तरफ से स्टेट हाईवे की तरफ आ रहा है। महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहाँ पर पटना से ये सड़क जो है वो गया की तरफ जाती है और पानी इतना लबालब खराब हो जाता है। अचानक बरसाती नदियों में पानी भर जाने से बाढ़ की स्थिति जो है वो कुछ यूँ आसपास के इलाके में फैल गई है। और देखिए आसपास के इलाके के रहने वाले जो लोग हैं वो सभी इसी तरीके से पानी से आते हैं। मैं खुद कोशिश करूँगी अंदर चल कर जाने की, क्या उनकी मजबूरियाँ हैं, क्या दिक्कत क्या परेशानियाँ, लेकिन अरे हम लोग को तो वह दिक्कत है कि मुसीबत में फंसे हुए हैं और ये मुसीबत के पार करने के लिए हमारे सरकार जो है तैयार होते हैं। इसलिए हमारे क्या मुसीबत है जी, सरकार की तरफ से क्या चाहिए। गांव वाले की तकलीफें समझने का सबसे बेहतर तरीका यही है कि उन तक जाने के लिए हमें इस पानी में साथ में चल लेगा बोलो चल लेगा। मत करो भाई मत करो इतना यार। आ गया था।